नाम एक और काम अनेक, आंवला है ये, जिसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि आंवला 100 मर्ज की एक दवा है। कच्चा खाओ तो आंखों की रोशनी बढ़ाए, चाशनी में डुबो के खाओ तो मिठास लाए। भारत में आंवले की खेती सबसे अधिक यूपी के प्रतापगढ़ जिले में होती है, इसलिए प्रतापगढ़ जिले को आंवला नगरी के नाम से भी जानते हैं। प्रतापगढ़ जिले को यूं ही आंवला नगरी नहीं कहा जाता, ओडीओपी योजना के तहत आंवले के उत्पादन में इस जिले को पहला स्थान दिया गया है। प्रतापगढ़ जिले में लगभग 1,30,020 हेक्टेयर में आंवले के बाग हैं। प्रतापगढ़ का आंवला अपने आप में अनूठा होने के चलते इसकी मांग नामी गिरामी कंपनियां भी करती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश में 384.32 हजार टन आंवले का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 35.79% है। कहते हैं इसकी एक बार रुपाई करके सारी जिंदगी कमाई की जा सकती है। इस जिले में पानी पीने के लिए आपको लड्डू या पेड़ा नहीं दिया जाता, बल्कि आपका स्वागत यहाँ मुरब्बे के साथ होता है। और इसके स्वाद की क्या कहने, शानदार, और आपकी सेहत के लिए भी पूरी तरह ईमानदार। वैसे कोरोना काल भले ही ज्यादातर लोगों के लिए संकट का दौर साबित हुआ हो, लेकिन आंवला उत्पादक किसानों के लिए ये खुशियों की सौगात लेकर आया है। कोरोना काल के पहले जहां आंवले के उत्पादन में जिले का टर्नओवर 150 से 200 करोड़ के करीब था, वहीं कोरोना काल के बाद इस जिले का टर्नओवर 300 से 400 के करीब पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP में प्रतापगढ़ के आंवले को भी जोड़ा, जिसके तहत यहां के किसानों के साथ साथ छोटे बड़े उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। कोरोना काल में आंवला उत्पादक किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ गई है। आंवला विटामिन सी के सबसे अधिक स्रोतों में से एक है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। च्यवनप्राश के साथ ही दूसरी आयुर्वेदिक औषधियों में आंवले का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। यहाँ जगह जगह पर आपको आंवले का अचार, मुरब्बे, जेली की दुकानें दिख जाएंगी। अगर आप भी आंवला प्रेमी हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे आंवले से बनी कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।